दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय किसान आधुनिकता की तरफ कैसे चल रहे हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है वो तो कैसे किया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, और शेयर तो करना ही बनता है। चलिए हम स्प्रिंकलर जो सेट होता है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, इसमें ये पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन ये आयरन का छोटा पाइप होता है। ये छोटे पाइप की संरचना ऐसे की जाती है, आप देख रहे होंगे इसमें स्प्रिंग लगी रहती है। वो नोज़ल है, नोज़ल से आने वाला पानी उसके अंदर चला जाता है और उसके वजह से वो पीछे चला जाता है। और जब पीछे चला जाता है तो स्प्रिंग की वजह से फिर से वो वापस चला आ जाता है। तो इस तरह से उसका जो मूवमेंट है वो होता रहता है। और इसकी वजह से दूसरे साइड में आप देखेंगे तो छोटा नोज़ल है और उससे भी कम पानी निकलता है और वो कम पानी नज़दीक वाले एरिया में फैलता है। आप देखिए, उसकी रचना ऐसी की है कि वो पानी फैल के हो जाता है, सीधा एक तरह से निकलता है, धार निकलते नहीं है, तो पानी फैल के नीचे जाता है। वो देखिए रचना, स्प्रिंग लगा रहता है, बड़ा सा नोज़ल है और इसकी रचना जो है एकदम ऐसी की जाती है कि पानी का प्रेशर आने के बाद पानी के प्रेशर से ये मूवमेंट आप देख रहे हैं किस तरह का मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट देखिए, ये मूवमेंट ऐसे होने से ये देखिए, तो ये पानी जो है ये धीरे धीरे घूमता भी है और एक सर्कुलर एरिया में, पूरे एरिया में पानी घूमता रहता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके वजह से कम 50-60% पानी की बचत होती है और साथ में सारे खेत को, सारे फसल को जो पानी है वो सही तरीके से मिलता है और फसल ज़्यादा अच्छे से आती है, ज़्यादा फायदे के काम इसमें बन जाता है। किसान का इसमें बहुत सारा फायदा हो जाता है। अब ये तो हमने सिचुएशन देख लिया, जब पानी प्रेशर से आता है तो किस तरह से चलता है। देखिए कैसे पूरे पाइपलाइन को वो अटैच किया जाता है, वो जो हुक होता है, हुक से वो दो पाइप एक दूसरे जोड़े जाते हैं ताकि प्रेशर में वो ना निकले। देखिए, जब मोटर का प्रेशर आता है तो किस तरह से काम करता है, और दोनों तरफ से साइड पानी निकलता है, एक साइड में ज़ोर से और एक साइड से धीरे से। जो पानी कम प्रेशर देता है वो नज़दीक पड़ता है और दूर वाला दूर चला जाता है। तो इस तरह से पूरे खेत में पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फसल को बहुत अच्छे से फ़ायदा होके फसल की जो उत्पादन है वो किसानों को बहुत अच्छे तरह से मिल जाता है। तो इस तरह से वीडियो आपने पूरी जानकारी ले ली कि किस तरह से किसान, इंडिया का किसान मॉडर्न होते जा रहा है और पूरे अपने खेती को पानी देके खूब सारा पैसा कमा रहा है।